हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं 9 बजे से, बच्चों का है 9। मेरे कुछ ऐसे हालात है और ये रही हमारी संध्या क्यूट सी, और मैं बना रही हूँ अभी सभी के लिए नाश्ता। सारे मेहमान यही है, दी लोग, बुआ लोग, तो ये सबको दिखा के लगे पाक रही थी ना। अभी और पकेंगे, एक दिन दादा लोग खाते ना रोटी के साथ। तो हमारी बुआएं हैं, दो बुआ वहाँ है, एक बुआ यहाँ पे है, दीदी है। देखो ये मुख फरका दे, देखा दादा को। हेलो गाइस, कैसे हो? देखो नीत भैया आओ, वो तो नीत भैया उठने का मन नहीं कर रहा। सो गाइस, अभी पापा मम्मी गए थे मौसी के यहाँ, तो पापा भी स्कूटी चला के देखेंगे। पापा भी अपने संधि को देखेंगे यहाँ पर। पापा कह रहे थे 3 लोग जा सकते हैं, बल्कि कैसी लग रही है? बाइक वाली लग रही है, बाइक की तरह। समझी समझ नहीं सर यार, वही तो ऊपर दाजू अलग ठहरे, दाजू अलग ठहरे, वही तो कि दाजू अलग ठहरे। ये तो बाइक की है। चल फिर। वो आम तो बहुत ही छोटे हो रहे हैं। सो गाइस, आज हमारी कब्बू के सास ससुर आए हैं। चल नमस्कार को। नमस्कार क्यों नहीं करी है? तो बाहर को भी नहीं आ रही है सासू से मिलने, सामान पकड़। सौर जी भी आ गए। बुआरी बुआरी बुआरी, इसको भी दुबदा की दुकान भी लेके आना है। कैसे क्या होगा बताओ। सो गाइस, सासू ने दिया इसको सारा सामान बुआरी को। तो क्यों पकड़ लेते हैं, अभी ब्लॉग में डालेंगे। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? वो कहती है दीदी बता क्या, कितने मजे लेती है बल उससे, दीदी है बल कितने मजे लेती है बल रजनी उससे। चल तू उसको ले जा फिर। बाबरी मौसम 9 बजे आए हम, है ना? मजा आया तो, बारिश भी बहुत थी, 6:30 बजे आए हम घर से। तो गले भी नहीं लगी मम्मी से, बता दे। अभी लग जाते हैं, आ जा ले, अब ले मजे। और लगे क्या, बोला गले लग रहा है, लकड़ी जैसी हो रही है, तन्नू की जैसी हो रही है। तभी तो मेरी शादी करा देते हैं, एक तन्नू जाएगी दूसरी आ जाएगी। सो गाइस, तो गाइस आज मैं मम्मी को लेकर आई हूँ भाभी की दुकान में, मतलब दद्दा भगवती वाले शॉप में जो है यहाँ पर कपड़े की दुकान। तो यहाँ पर मम्मी शॉपिंग कर रही है अपने के लिए। ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो सही है जो तेरे हाथ है नीचे। हाँ भाभी एक के बाद एक दिखाई जा रही है और ये रुक नहीं रही है। तेरे को होश नहीं है क्या? ये देखो तो वैसे so इतनी सारी शॉपिंग कर ली है अभी दद्दा के यहाँ से। और ये टी शर्ट ना मुझे बहुत पसंद आई थी, पर ये तन्नू के लिए ले ली मैंने, क्या करूँ। बहुत ही ब्लैक हो गया क्योंकि मैंने अभी भी ब्लैक ही पहना है। क्या हुआ? अरे हाँ हाँ, बारी लाई सासू के लिए झोला। दिखा झोला, दिखा महारानी दिखाया, कोई बात नहीं, महारानी। हाँ, सो गाइस, सौरजी ने पैसे दे दिए। चलो
सौर जी ने पिठा लगाया आज कबली का। तो पापा मम्मी जाने लग गए। आराम से आना ठीक है। रो क्यों नहीं रो बाजार देख रही इसको। तो गाइस अभी बुआ लोग भी जाने लग गए हैं तो बुआ लोग को छोड़ने के लिए हम लोग आ गए। चलो क्या है, है? ग्रीड का है। तो गाइस हमारा भीड़ देखो, भीड़ देखो यूट्यूब पे ही बना दे रहे हो। देखो यार कैसे देख रहा था मैं, हां हमारा ना जोर बढ़ा रहा यार। फॉर्चून हम बेचारी बहुए, हम बेचारी बहुए कोने में बैठे रहती है, इनको देखो कैसे बैठे हैं ऊपर ऊपर सब। भाग रहा है वैसे। सो गाइस अभी बुआ दीदी सब लोग जाने लग गए हैं। यहीं रह रहा तू, यहाँ पे इसके अंदर का तो होगा, यहाँ पे क्या होगा पति का नाम मतलब बसो रख दिया क्या उसमें? तो वैस ऑटो का छोटा लोग होगा ज्यादा। सो गाइस ये इतने फैल गए हैं कि ऑटो में फिट नहीं आए, तो अभी एक ऑटो चलेगा, अब दूसरा ऑटो आने वाला है, अब दो लोग उसमें जाएंगे तब कुछ होगा। सो गाइस कब्बू का कहना नहाते तो तुम होने तो यही मेरे हाथ धो दे रही है, देख सकते हैं आप लोग हड्डियाँ चुभ रही सही में। सो गाइस अभी दुकान बढ़ा के हम जाने लग गए घर को, ये जाएगी अपने घर, मैं जाती हूँ अपने घर, बाय बाय। सो गाइस पहाड़ों में बारिश होने की वजह से यहाँ को भी अच्छा मौसम हो रखा, मतलब धूप नहीं आ रही है चटक वाली, मतलब ऐसे बादल से लगे रहे हर समय। अभी बज गया शाम का 6:30 और मैं जाती हूँ घर को, वहाँ मम्मी है, मम्मी का मम्मी मेरा वेट कर रही होगी, अब चलते हैं घर की ओर। और आज ना मेरे पति देव आने वाले हैं, आज शाम को आएंगे फिर कल सुबह आएंगे, तो ये पता नहीं कब तक पहुँचते हैं। बस मैं बना रही हूँ अपने पति देव के लिए अंडा कड़ी, तो उसके लिए मेरी ग्रेवी हो गई तैयार, अंडे मैंने रख लिया फ्राई करके, बाकी एक सब्ज़ी मेरी शिमला मिर्च की बन चुकी है, आटा रोटी बनानी है बस, बाकी रायता वगैरह बना के रखा है सब कुछ। तो ग्रेवी भी हो चुकी है, रेड रेड थोड़ा सा कलर आ गया है, ऑयल भी ऊपर आने लग गया है, तो इसका मतलब इसमें हम अंडे डाल सकते हैं। सो गाइस अभी खाना वगैरह बना के बस रोटी बनानी बची है, और हम दोनों पड़ गए हैं बाहर से चारपाई लगा के, और यहाँ से आम गिन रहे हैं पेड़ में, देखो आप लोग बताना है कि नहीं। सो गाइस पतिदेव का वेट करते करते रात का बज गया है 12 और हम लोग वेट ही करने में हैं, मम्मी देख रही है वहाँ फ़ोन और मैं भी फ़ोन चला रही थी। तो आज के ब्लॉग को करते हैं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।